रेड फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए रेड करने जाएगी हमारी इंडियन कबड्डी टीम 18th ऑफ अगस्त को जब एशियन गेम्स की शुरुआत होने वाली है। मेरे साथ में है इंडियन कबड्डी टीम के स्टार प्लेयर और मेरे बड़े अच्छे दोस्त रिशांक। रिशांक मुझे एक बात बताएं, पहली बात तो कबड्डी मास्टर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, दुबई में इंडियन कबड्डी टीम ने एक बार फिर से वो कर दिखाया जिसके लिए वो जानी जाती है। ईरान के खिलाफ वो फाइनल्स क्या लग रहा था कि लेकिन एक तरफा मैचेस जीतने की तो अब आदत सी पड़ गई। ईरान ने स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, आपने देख सकते हो कि जैसे कोरिया के साथ वो खेले बहुत अच्छे फॉर्म में थे, तो हमें कुछ ज़्यादा टेंशन तो नहीं था, हमें पता था हम उनको आसानी से हरा लेंगे, पर थोड़ा तो होता ही है, इंडिया के लिए खेलना है तो प्रेशर तो होता है, पर इजी हो गया मैच और अच्छे मार्जिन से हमने जीता। कांटों का ताज है ये बादशाह बनना कबड्डी का, क्योंकि अब धीरे धीरे ईरान, कोरिया, साउथ कोरिया की टीमें ये कड़क टीम होती जा रही है और इनके लड़कों को शायद हम ही यहाँ पर हिंदुस्तान में लाके ट्रेनिंग दे रहे हैं चैंपियन प्लेयर्स के साथ में खिला के। एशियन गेम्स एक बार फिर 7 कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स, क्या 8वीं बार भी हम ये गोल्ड जीत पाएंगे? बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे और मुझे तो 100% यकीन है कि हम ये गोल्ड से लेके आएंगे इंडिया में, सब पूरी तरह से मेहनत करेंगे गोल्ड जीतने के लिए। रिशांक तैयारियां कैसी चल रही है क्योंकि 18 अगस्त ज़्यादा दूर नहीं है? तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही है, हम पर्सनली भी बहुत फिटनेस कर रहे हैं, अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं और जैसे कि अब तक 2 कोचिंग कैंप हमारे हुए हैं इंडियन टीम में और अब तीसरा कैंप हमारा शुरू होगा कुछ ही दिनों में, तो तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, कोचेस बहुत अच्छी प्रैक्टिस दे रहे हैं, स्किल्स पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, तो पूरा ट्रैकिंग जो है हर एक प्लेयर इंडिविजुअली ट्रैक कर रहे हैं उसको, बहुत अच्छा चल रहा है। भाई रिशांक अब अपनी टीम को, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं एशियन गेम्स के लिए। जैसा कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है, इंडियन कबड्डी टीम इज द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन ऑफ कबड्डी। कैन दे डू इट वन मोर टाइम? RaidForGold.in इस वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपनी कबड्डी टीम को, इंडियन कबड्डी टीम को। जाते जाते हो जाए हाई फाइव, द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3, हाई फाइव।